नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। चुनावी माहौल में ओपीएस पर जंग देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन योजना को विपक्ष रामबाण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और हर गैर बीजेपी शासित राज्य ये मुद्दा उछाल रहा है। वैसे तो यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी ओपीएस का मुद्दा उछला था, लेकिन विपक्ष को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। हिमाचल और गुजरात में विपक्ष ने सत्ता में वापसी पर ओपीएस लागू करने का वादा किया है। इस बीच छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से एनपीएस का पैसा मांगा, जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि एनपीएस के तहत केंद्रीय मद में जमा पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता है, ये केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा जो इसका योगदान कर रहे हैं। ओपीएस और एनपीएस की लड़ाई अदालत तक जा सकती है और विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से किसकी टेंशन बढ़ी और क्या एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिल सकता है, आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। ओपीएस लागू किया है, ओपीएस को इलेक्शन लड़ा गया हिमाचल पूरा का। कोई भी वादा करने में वो झिझकते नहीं है, कुछ भी वादा कर दो, अभी भी कर रहे हैं, ढेर सारे वादे कर रहे हैं। पब्लिक के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, अगर हमने उनसे वादा किया तो वादे निभाओ, पूरे करो। और चले इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे, आपको हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ धीरज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है धीरज जी आपका। गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, कर्मचारी नेता हैं। गजेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी है, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत स्वर्णिम जी। और साथ ही आशीष चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए, बीजेपी नेता है। आशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है स्वर्णिम जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ओपीएस बेहद अहम मुद्दा कांग्रेस के लिए, सरकारें जहां जहां हैं, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें, और जहां पर चुनाव हुए वहां पर भी वादे किए गए कि अगर कांग्रेस जीतती है तो हम ओपीएस लाएंगे। लेकिन सवाल ये कि ओपीएस पर ये राजनीति क्यों हो रही है, क्यों यहां पर सवाल उठ रहे हैं, एनपीएस वर्सेस ओपीएस नजर आ रहा है। देखिए श्वेता जी, राजनीति की बात नहीं है, ओपीएस जो है आज वक्त की मांग है। जो कर्मचारी जो हमारे देश के निर्माण में, हमारे प्रदेश के निर्माण में या जहाँ भी वो कार्यरत हैं उसके निर्माण में अपना जीवन जहाँ पे लगा देते हैं, उसके पश्चात उनके रिटायरमेंट के पश्चात एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। यह बात सबको सामने आई और सबने देखा, महसूस की, जनता की मांग थी। ओपीएस कर्मचारियों की मांग है, पूरे देश भर के कर्मचारियों की मांग है। हमने यहाँ पर लागू की और ये मानते हुए लागू की कि इसके बगैर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रख सकते, और यदि अपने भविष्य के प्रति कोई कर्मचारी आशंकित होगा तो किस तरह से मन लगा करके वो कार्य करेगा अपने प्रदेश के या देश के निर्माण में। अब जहाँ तक बात है, ये इसलिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख अभी स्पष्ट नहीं होता, और जो कहते हैं कि हम लागू, ना तो ये कहते हैं कि लागू नहीं करेंगे ना कहते हैं इसके विरोध में, लेकिन एक बात तय है कि एनपीएस जिसके तहत जो कर्मचारी है उसको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है पैसा, और उस मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पर बहुत ही मिनिमम एक मेगर राशि जो होती है, मुट्ठी भर राशि कभी प्राप्त होती है कर्मचारी को। तो ये इतने समय में देखा, और मान लीजिए कोई स्कीम अगर सही नहीं निकली, गलत है, तो उसको मान लेना चाहिए। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस अगर लागू की तो अब उसको रोल बैक नहीं कर सकते, करनी तो पड़ेगी। अब देश में निश्चित रूप से ओपीएस लेकर के रहेगा कर्मचारी, और हम देंगे, या तो हमारी जहाँ सरकार है वहाँ हम दे ही रहे हैं, और नहीं तो आंदोलन के आधार पर सरकार बदल के जैसे भी होगा ओपीएस तो कर्मचारियों को देनी पड़ेगी, और इसके जो कहना चाहिए इसका रास्ता जो है हम स्पष्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आशीष जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से बोला कि एनपीएस का पैसा दिया जाए, जबकि कानून के तहत ऐसा पॉसिबल नहीं, और इसलिए मना किया वित्त मंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि ओपीएस भी लागू करना है, फिर एनपीएस से भी पैसे की डिमांड की जा रही है, जबकि स्पष्ट यहां पर किया जा चुका है, तो अब ये नहीं लग रहा कि ये मुद्दा हो चुका है ओपीएस वर्सेज एनपीएस, और इसमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना इसी पर ही अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए श्वेता जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि 2014 के बाद से जब से विपक्ष लगातार हार रहा है और उस बौखलाहट में वो ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं जिसका कि कोई तात्कालिक प्रभाव अभी दिखाई हमको पड़ता नहीं है। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने लागू की है, इसका क्या प्रभाव होगा राज्य पे, कितना इसका आर्थिक भार पड़ेगा, ये सब हमको 2030 और उसके उपरांत पता पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि हमको वो वादे करने चाहिए जो हम पूरा कर सकें।
श्वेता जी, मुख्यमंत्री जी कल गुजरात में थे और गुजरात में उन्होंने वहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया और गुजरात के मैनिफेस्टो के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो कह रहे हैं हम गुजरात की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। अरे भाई, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री, आप राजस्थान की जनता को 500 रुपये में सिलेंडर क्यों नहीं देंगे? गुजरात में ये वादा करते हैं कि जो कोविड से जिनका निधन हुआ है हम उनको 4 लाख रुपये सहायता देंगे। अरे भाई, राजस्थान में जिनका कोविड से निधन हुआ आपने उनको 1 रुपया नहीं दिया। आप गुजरात में वादा करते हैं कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे। राजस्थान में जब से आपकी सरकार बनी है तब से पेपर लीक हो रहे हैं और लगातार जारी हैं। पूरे देश में राजस्थान बेरोजगारी में पूरे देश में या तो नंबर 1 होता है या नंबर 2 होता है। तो आपको पता है कि आपकी सरकारें आ नहीं रही हैं, तो आप कुछ भी ऐसे मनगढ़ंत वादे कर दीजिए। आप लगातार चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। उत्तराखंड में भी आपने वादा किया, वहां पर भी आप हार गए। हिमाचल में भी अभी आप हार रहे हैं। तो आप लगातार ऐसे वादे कर रहे हैं। श्वेता जी, हमको समझना पड़ेगा, ये वही कांग्रेस पार्टी और इनके नेता राहुल गांधी जी हैं जिन्होंने एक न्याय स्कीम लॉन्च की थी 2019 में कि हम गरीब को 72,000 रुपये साल देंगे वहाँ की महिलाओं को। श्वेता जी, हमको समझना पड़ेगा, देश का मतदाता बहुत समझदार है। उसका कुछ भी शिक्षा का स्तर हो, उसका कोई भी आर्थिक विषमता हो, वो समझता है कि ऐसी कौन सी सरकार है जो हमारे वादों को पूरा कर सकती है, किसके वादों में दम है। और मुझे लगता है जो मुद्दे बना उठाए जा रहे हैं, जो सवाल कर रहा है विपक्ष, वो आप ये कहना चाह रहे कि जनता समझती है कि ये सब पूरे होने वाले वादे। श्वेता जी, इसका इम्पैक्ट पता नहीं पड़ रहा ना। इम्पैक्ट कब पता पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ा पड़ेगा 2030 के बाद। तब तक तो कांग्रेस की सरकार रहेगी नहीं ना राजस्थान में। इनकी जो स्थिति है वो राजेंद्र गुड़ा जी, इनके मंत्री ने बयां कर दी कि 2023 में इनकी क्या स्थिति होनी है। तो जब आपको पता है उनको सरकार में रहना ही नहीं है, तो उलझल उल वादे किए जाएं आप। ठीक है, इसका रिएक्शन स्वर्णिम जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले गजेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं कर्मचारी तक। गजेंद्र जी, कर्मचारियों की बात आती है, एक बड़ा वर्ग है कर्मचारियों का, कई समस्याओं से जूझता है, कई मांगे रहती है, बहुत आंदोलन भी करते हैं, काम भी करते हैं। ओपीएस आने के बाद काफी खुश कर्मचारी थे, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है, ओपीएस वर्सेस एनपीएस की बात की जा रही है, यहाँ पर सरकारें डिमांड कर रही, छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र से कह रही कि एनपीएस का पैसा दिया जाए, ओवरऑल कर्मचारी इसे कैसे देख रहा है? कर्मचारी ओपीएस को कैसे देख रहा है और कर्मचारी क्या चाहता है आगे? निश्चित तौर पर जो ओपीएस दिए, ये एक बहुत बढ़िया कदम है। और कर्मचारी अपनी सेवा काल के 60 साल के बाद में अगर सेवानिवृत्त होता है और उसके सेवा के बाद में उसके बुढ़ापे का सहारा जो अपन मानते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को, और वो लागू किया, निश्चित तौर पे धन्यवाद की पात्र राजस्थान की सरकार। और गहलोत साहब कहते हैं कि बिना मांगे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। कर्मचारी संघों ने बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास कर रहे थे, ज्ञापन भी दिए थे, और आपने देखा होगा वीसी हुई थी बजट से पहले, उसमें भी हम जितने भी संगठन के लोग थे सारे लोगों ने एक ही स्वर में कहा था कि जब विधायक और सांसद जब इतनी बार एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उसके बाद में हर बार की पेंशन मिलती है, तब राज्य के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। तब कई बार बात होती थी कि कौन से स्टेट में ऐसा है, तो क्यों नहीं, हमने कहा था, उन्हें राय दी थी कि क्यों नहीं राजस्थान ऐसा स्टेट हो जिसमें ये उदाहरण पेश हो हिंदुस्तान के हर स्टेट में। और जब ओपीएस लागू की गई तो आपने देखा होगा राजस्थान के प्रत्येक संगठन ने उनको बधाई भी दी थी, जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे ओपीएस के। और उसके बाद में एक आदेश आया था कि जिन कर्मचारियों ने पैसे उठा लिए, जो ओपीएस एनपीएस में थे उनके पैसे उठा लिए थे, उनके ये समझा जाएगा कि ये ओपीएस में रहना चाहते हैं, ओपीएस से एनपीएस में रहना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे इसके बारे में हमने फाइनेंस सेक्रेटरी जी से मिले थे और फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमें आश्वस्त किया था। हमने उन्हें कहा था कि जब इतने पैसे, जब हमारे पैसे हैं, 50% बेसिक का कर्मचारी का कटता, 50% सरकार अंश देती थी, और उस 50 में से पहले से ही 25% कर्मचारी अपना अंश निकाल सकता था, तो ऐसा कोई आदेश नहीं था उसमें कि आप पैसे नहीं निकाल सकते। और उसी बात से जब कर्मचारियों ने अपने पैसे निकाले थे, तो हमने सरकार से और फाइनेंस सेक्रेटरी माननीय अखिल अरोड़ा जी को हमने कहा था कि ये गलत कर रहे हैं आप। तब उन्होंने वापस जमा कराने के लिए तीन किस्तें बनाई थी। हमने कहा था कि कोई कर्मचारी ऐसे भी है जिनकी ज़्यादा अंश जमा है, उसको आप कुछ ज़्यादा किस्तों में जमा कीजिए। उसके बाद वो कह रहे थे कि पीएफआरडी से आप, पीएफआरडी ने इसलिए मना कर दिया कि आपके पैसे, ये कर्मचारी ओपीएस में नहीं जाना चाहते, ये तो एनपीएस में ही रहना चाहते हैं, इसलिए पैसे उठाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि शुरू से ही 25% उठाते आ रहे हैं,
तो ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं था। जो 28 अगस्त को एक आदेश आया था उसके बाद में हमने सरकार से ही मांग की थी, उसके बाद में 3 किस्तों में किया था। तो ये कुल मिला के जो OPS है ये कर्मचारी का जो बुढ़ापे का सहारा है वो वापस कर्मचारियों को मिला है और उसके लिए हिंदुस्तान में भी मिलना चाहिए सब जगह। और PFRDA से जबकि ये मना किया जा रहा है, जैसे राजस्थान से भी पहले आपको बता दूं राजस्थान ने भी अपने पैसे मांगे थे और फिर छत्तीसगढ़ ने भी मांगे, तो ये PFRDA से इनको कारण क्या है क्या नहीं है ये तो सरकारें जाने, परंतु ये पैसे वापस आने चाहिए और कर्मचारियों को मिलने चाहिए। आपने देखा होगा अभी जो कम से कम 3-4 हज़ार कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनको अभी तक OPS का लाभ नहीं मिला। 1 अप्रैल के बाद वालों को अभी ये क्लियर नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कह रहे कि आज की डिमांड नहीं, पहले भी डिमांड की जा चुकी है कि राज्य सरकारें कर चुके हैं कि मिलना चाहिए। हमारे साथ धीरज गुप्ता जी भी है, विषय विशेषज्ञ। धीरज जी, अब इससे आपसे बेहतर हम और समझना चाहेंगे, क्योंकि अहम बात यह कि NPS से पैसा मिलना चाहिए OPS के लिए, जो राज्य सरकारें भी डिमांड कर रही हैं, और जिसका जिस तरह से कानून का हवाला दिया गया, साफ कहा गया कि NPS से पैसा OPS में नहीं दिया जा सकता है और ये एक अलग और कानून के तहत ऐसा है। क्या वाकई में कानून कहता क्या है, क्या ये पॉसिबल है जिस बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस, इतनी बयानबाजी और इतनी मांग उठाई जा रही है? देखिए श्वेता जी, NPS को OPS से मत जोड़िए, उसका नाम है ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS है नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए NPS जो है वो आजादी के बाद हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बेहतर रिटर्न देने वाली स्कीम है। आप अगर इसमें गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो राज्य के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने NPS में अपना पैसा लगाया हुआ है। ये बात और है कि 1-1-2004 से जो सरकारों में नियुक्त होते थे नए कर्मचारी अधिकारी, राज्यों ने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम देने के स्थान पर उनको NPS से जोड़ दिया था। ठीक है, अब हम विषय पर आते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार के लिए लाभदायक थी या कर्मचारियों के लिए लाभदायक थी। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आज की स्थिति में अगर आप देखेंगे, आप तो इस बार का 2022-23 का स्टेट गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए। मैं बरसों से उस बजट को एनालिसिस कर रहा हूं, सरकार में भी कभी रहा तो उसको देखता रहा। हर साल जब रिवाइज पे रूल्स नहीं आते, मतलब वेतन आयोग नहीं आता, ऐसी परिस्थिति में हर साल जो सैलरी हेड है, जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों का हेड है, उसमें सरकार 10% अगले वित्तीय वर्ष में जोड़ती है। मीन अगर इस साल 70,000 करोड़ का अगर प्रोविजन है तो अगले साल लगभग वो 77,000 करोड़ का प्रोविजन करेगी। आप देखेंगे इस बार के बजट प्रोविजन को, बजट प्रोविजन में कोई 200-300 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कारण क्या है इसका? सरकार ने हींग लगे न फिट करी, रंग चोखा ही चोखा। जो राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी है उसने मुख्यमंत्री जी के हाथ में एक ऐसा झुंझुना थमाया जिसको मुख्यमंत्री जी भी संभवतः समझ नहीं पाए। और कर्मचारियों की जहां तक बात है, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति आज एक बाजार में उसमें क्या अफवाह चल रही है उससे बचकर अपने आप को सिक्योर पोजिशन में रखना चाहता है। हवा ये फैलाई गई कि ओल्ड पेंशन स्कीम में सिक्योरिटी है, NPS में सिक्योरिटी नहीं है। मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि यदि जिस दिन NPS डूब गई उस दिन इस देश की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शेयर बाजार में पैसा लगता है, जो NPS का पैसा है, और मैंने शेयर बाजार में पैसा लगाया था और वो बहुत समय बाद मुझे कम होके मिला। जी साहब, NPS में जब वो पैसा लगता है तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगाते हैं। देखिए जितना भी पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार कहीं ना कहीं उस पैसे को लगाती है और उसी से रिटर्न लेती है। कैसे? जैसे बिजनेसमैन को लोन देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देती है, तो बैंक जब लोन देते हैं तो गारंटी जो है वो लेते हैं। अब माल्या साहब जैसे लोग जो है वो लेके चले जाते हैं, नीरव मोदी जी जैसे लेके चले जाते हैं, इनसिक्योर लोन हो गया, तो वो अल्टीमेटली बर्डन किस पे आता है? गवर्नमेंट पे। नए कानून बने, रिकवरी की व्यवस्था की जाने लगी। तो जो OPS है, OPS में एक सुरक्षा की भावना थी, लेकिन मैं आपको बताऊं जब से NPS चालू हुई है 9.34% रिफंड NPS ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जो आज तक, आज से पहले कभी किसी भी सरकारी योजना ने अपने होल्डर्स को नहीं दिया। अब बात आती है सरकार को बेनिफिट कैसे हुआ। देखिए लगभग 70,000 करोड़ का सरकार का सैलरी हेड का बजट था,
3 से 4 हज़ार करोड़। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्वयं मानता है कि जो 10% कंट्रीब्यूशन सरकार आपके खाते में करती थी एनपीएस के पेटे, वो लगभग 4 हज़ार करोड़ था। अब सीधी सीधी बचत हो गई 4 हज़ार करोड़ की राज्य सरकार की। तो अब ओल्ड पेंशन स्कीम जो एक एक चार के बाद, एक एक चार से नियुक्त हुए हैं, तो कोई रिटायर होगा 25 के बाद, कोई 30 के बाद, कोई 32 के बाद, कोई 35 के बाद, धीरे धीरे वो बर्डन आएगा। उस समय जो माहौल था 2003-04 में, माहौल ये था, तमाम राजनीतिज्ञ ये कहते थे कि राज्य कर्मचारी राज्यों पर बोझ हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, राज्य कर्मचारी जो है राज्य पर बोझ कैसे है। राज्य में 8 लाख कर्मचारी हैं, 3.5 लाख टीचर्स हैं, तो आप टीचिंग सिस्टम को स्टेट से ख़त्म कर दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए। 1 लाख पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार नर्सेज हैं, ये तो 1 रुपया कमा के नहीं दे रहे, ये तो टोटल एक्सपेंडिचर मद में जा रहा है। देखिए डेमोक्रेसी में सरकार की और राजनेताओं की भावना होनी चाहिए कि हम रेवेन्यू जनरेट के तरीके बढ़ाएं। जो कर्मचारी उनके पास काम करता है, यदि मैं एक पान की छोटी सी दुकान भी अगर सड़क पर भी खोलूंगा तो 20-30 साल के बाद मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे उस दुकान के एवज में मुझे कुछ रॉयल्टी मिलेगी। धीरे जी, बहुत बहुत बेहतर तरीके से आपने बारीकी से समझाया यहाँ पे। लेकिन स्वर्णिम जी, आप क्या इत्तेफाक रखें, क्योंकि आप ओपीएस को बेहतर, लेकिन ओपीएस एनपीएस कैसे डिफर है, कैसे इन दोनों को कंपेरिजन ना किया जाए, कैसे फायदा एनपीएस से है, ये बातें, तो फिर ये कहां से आ गया? अगर कानून की भी बात की जाती है, एनपीएस का पैसा नहीं निकाल सकते, वित्त मंत्री कह रही, लेकिन इसके बावजूद डिमांड यही। देखिए एक चीज़ स्पष्ट है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है सिक्योर्ड, जो उनका कहना चाहिए कि आपका रिटर्न है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एनपीएस में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब सरकार होती है, सरकार देखती है लोगों के बेनिफिट के लिए बनती है। हम वेलफेयर स्टेट है, हम कमाने की दुकान नहीं है। सरकार खुद का फ़ायदा देखेगी या जनता का, यह उसको तय करना है जो सरकार चला रहा है। हम सरकार में होते हैं, हम जनता का फ़ायदा देखेंगे जिसके लिए हम सरकार चला रहे हैं। अगर सरकार स्वयं का फ़ायदा देखने लगे, स्वयं के लिए रेवेन्यू जनरेट करने लगे, किस काम का, जनता के लिए ही है ना। तो जनता को अगर आप सिक्योर नहीं रख सकते, जब अगर यही कह दे भारतीय जनता पार्टी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जिसके तहत मुफ्त इलाज है, वो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, तो ये तो अब इसमें तो सोच का फर्क है, आपकी सोच क्या है। आप जब तक बात करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि जो वादे करें उसको पूर्ण करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया 2 करोड़ रोजगार नौकरियां देने का प्रतिवर्ष, किसानों की आय दुगनी करने का, बहुत सारे वादे किए थे, महंगाई कम करने का, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का, ये सब चीजें चली। लेकिन हुआ क्या, हुआ तो यही ना कि आपने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के मार्फत सरकार की कमाई बढ़ाई, जनता पर बोझ डाला। हमें जनता पर बोझ नहीं डालना, हमें जनता को राहत देनी है, और जनता अगर खुश है तो सरकार सफल है, और अगर जनता खुश नहीं है, जनता पर बोझ है, तो सरकार असफल है। कोई भी फैसले तो कानून सम्मत ही होंगे ना, कुछ अलग से जाकर कानून हम बनाते हैं, कानून सरकार बनाती है, बदले जा सकते हैं, इस पर बदलाव किया जा सकता है। बिल्कुल आशीष जी, देखिए श्वेता जी, अभी स्वर्णिम जी बहुत बता रहे थे कि भाई सरकारों का काम है वेलफेयर स्टेट होना। निश्चित रूप से भारत में परिकल्पना सरकारों की ये रही कि हमको वेलफेयर स्टेट होना है। अभी जैसा धीरज जी समझा रहे थे, अल्टीमेटली सरकार ने ये सारा प्रपंच इसलिए किया कि सरकार को लगा कि हम साल में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो एक सब्सटेंशियल अमाउंट बचा सकते हैं। और गजेंद्र सिंह जी अभी कर्मचारियों के नेता हैं, वो स्वयं बता रहे हैं कि 2-3 हज़ार से 4 हज़ार लोग रिटायर हो गए हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो अभी तो सरकार खुद ही कंफ्यूज है। आप देखिए कि जो रिटायर हुए हैं आपने उसको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट नहीं दिए। मुख्यमंत्री जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, 2008 में भी आप मुख्यमंत्री थे, आपकी केंद्र में सरकार थी, तब आपको ध्यान नहीं आया। बेसिकली क्या ये सारे फैसले इसलिए लिया जा रहा है कि हम जनता को कैसे भ्रमित किए जाए और मानने को तैयार नहीं है। अभी नेशनल पेंशन स्कीम में आप देखिए जो रिटर्न आ रहा है उसको बहुत अच्छे से धीरज जी ने समझाया कि 9% से ज़्यादा रिटर्न एवरी ईयर आ रहा है। आप आंकड़ों को मानने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं कर्मचारी और जनता को भ्रमित कर रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस तो चलिए अपने लेवल पर बात कर रही है, लेकिन कर्मचारी इसे कैसे ले रहे और क्या कर्मचारी समझ पा रहे? गजेंद्र सिंह जी एक लाइन में जरूर ये इसका जवाब चाहेंगे कि कर्मचारी तो ओपीएस को मान रहा है, लागू किया गया राजस्थान में, इसका हवाला पॉलिटिकल पार्टीज दे रही है, कांग्रेस दे रही है दूसरे राज्यों में भी, क्या वाकई में किसी को भी अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? निश्चित तौर पे 1 जनवरी 2004 से मार्च 22 तक
उन कर्मचारियों के लिए अभी ऐसा कोई नहीं किया। उसके बाद में कुछ लोगों को अब जाके उनकी पेंशन चालू हुई है, पर अभी चालू होने वाली है, हुई नहीं अभी, तो ये स्पष्ट नहीं है अभी। और सरकार ने कहा था कि मांग नहीं की, ये गलत है कि सरकार ने, आपको पता है 2004 के बाद में जैसे ही लगा था उसके बाद में 12-13 के बाद तो आंदोलन भी हुए एनपीएस के लिए, ओपीएस लागू करने के लिए, और कई संगठन भी बने, इसके अलग से संगठन भी बने जो ओपीएस लागू करने के लिए बहुत राष्ट्रीय स्तर पर संगठन थे, और उसके बाद में यहाँ जो ओपीएस की घोषणा हुई थी। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों ने एक अप्रैल 2022 से पहले जो रिटायर हुए उनकी अभी तक कोई योजना नहीं बनी, 1 अप्रैल 2022 के बाद वालों के लिए अभी मैंने पेंशन विभाग में देखा था कि एक दो आदमियों को पेंशन अब जाके चालू हो रही है। अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कितनी रफ्तार दी जा रही है, कितना इसको गंभीरता से लिया जा रहा है? देखिए फैसला तो हो गया, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो रिटायर कर्मचारी होगा उसको पेंशन मिलेगी, मिलनी चालू हो गई है, लोगों के खातों में पैसा आ गया है अब पेंशन का पैसा, और ये तो लागू हो गई और अब इस फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता राजस्थान में। देखिए पैसे आने लग गए, लोगों ने इसको स्वीकार किया है, और इस तरह के ये जो जिनको मिले उन्होंने बताया। और देखिए मैं तो एक चीज कहता हूँ कि लागू हो गई, फैसला हो गया और पैसे आएंगे, सबको ही मिलेंगे। जब लागू हुई है इसका मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पैसा मिलेगा पेंशन का, और सबको मिलेगा लगातार। लेकिन प्रश्न ये है, ये जो कह रहे हैं वो एक कट ऑफ डेट है कि 1 अप्रैल से पहले, मतलब मार्च में बजट पेश हुआ तो मार्च के बाद उसको वो स्वीकार हुआ, तो 1 अप्रैल से पहले वालों की बात अलग है, 1 अप्रैल के बाद जो रिटायर हुए उनको मिला, 1 अप्रैल से पहले वालों को भी हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। धीरज गुप्ता जी एक जवाब जरूर चाहेंगे, अभी आपने कहा कि एनपीएस ओपीएस को मिलाया ना जाए, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों के बेनिफिट्स आपने बताया, लेकिन एक सवाल यही कि एनपीएस के तहत उस पैसे को निकाल के ओपीएस में नहीं दिया जा सकता, या फिर इसके लिए भी कोई ऑल्टरनेट रास्ता है, या कानून कहता नहीं दिया जा सकता, मतलब नहीं दिया जा सकता? आज की तारीख में जो कानून है उसके मुताबिक तो नहीं दिया जा सकता, पीएफआरडीए बनी हुई है, लेकिन भारत के संविधान में प्रोविजन है, आप संशोधन लाइए और संशोधन लाकर और अमेंडमेंट कर दीजिए। बट मेरी राय जो है, मेरा कहना, मैंने आपको एक बात में बहुत स्पष्ट किया कि ब्यूरोक्रेसी ने एक झुंझुना मुख्यमंत्री जी को थमाया, ये जो नहीं मिल रही ना पीपीओ जारी नहीं हुए, एक भी पीपीओ जो है आप मेरे को बता दें जो जारी हुआ हो तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। पीपीओ जारी इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इनका जो खेल था ब्यूरोक्रेसी का वो ये था, जो 38,000-40,000 करोड़ रुपए जो पीएफआरडीए के पास में जमा हैं, स्टेट का जो 50% और जो एम्प्लॉयज था उनका 50%, उस 40,000 करोड़ को ये चुनावी वर्ष में काम में लेना चाहते थे। अब चूंकि वो भारत सरकार से इनको मिल नहीं रहा, चूंकि भारत सरकार का उस पर हक ही नहीं है, संसद ने जो बिल पीएफआरडीए का पास किया था, जो एक्ट बना, उसमें प्रोविजन ही नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स को देने का। फिर अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए, वो बेनिफिशियल नहीं है। अमेंडमेंट क्यों करें? आप सोचिए कि एनपीएस में सरकार के जो पीएफआरडीए है उसके पास में लाखों करोड़ रुपए जमा है। आप ये सोचिए कि जिस दिन ये अमेंडमेंट आ गया और वो लाखों करोड़ रुपए, वो जो लाखों करोड़ रुपए पीएफआरडीए की जगह जगह शेयर में कहीं भी कंपनियों में लगा हुआ है, यदि वो पैसा विड्रॉ हो गया तो आप सोचो कि इनकम पूरी जो है इकोनॉमी स्टेट हिंदुस्तान की इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। ठीक है धीरज जी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दा अहम था, चर्चा इसमें आगे भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने। देखिए ओपीएस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़ा अहम फैसला है कर्मचारियों के हित में, लाखों कर्मचारी हैं जिनको इससे फायदा मिलेगा या फिर नुकसान हो सकता है अगर इसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो, लेकिन सभी कर्मचारी स्वागत कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अब ओपीएस वर्सेज एनपीएस क्यों किया जा रहा है जबकि दोनों चीजें अलग अलग है, और रही बात कि अगर कर्मचारियों के हित में जो भी फैसला है, अगर अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए, या कर्मचारियों के लिए जो हितकर है वो फैसले, तो फिर केंद्र राज्य सरकार दोनों को समन्वय बनाकर इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, ना कि इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि क्योंकि चुनावी साल है ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि दूसरे राज्यों में भी चुनाव यहां पर होने वाले, और इसको मुद्दा बनाकर और सिर्फ मुद्दे तक रह जाए ये कोई कर्मचारी नहीं सोचेगा, क्योंकि अब वो सपना देख चुका है, अब वो खुश हो चुका है, स्वागत इस फैसले का कर चुका है, लेकिन वो चाहता है तो सिर्फ फायदा जो इससे मिलना चाहिए और उस पर कहीं ना कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।